कहता है मर्द को दर्द नहीं होता, क्या मर्द बेचारा नहीं होता है? सुनने में कुछ अजीब सा है, परंतु ये सच है। जी हाँ, मर्द को भी दर्द होता है। अनुप थापा के निर्देशन में बनने जा रही फीचर फिल्म ये मर्द बेचारा की शूटिंग हरियाणा के फरीदाबाद और गुरुग्राम में हुई है और यह फिल्म 19 नवंबर को रिलीज हो रही है। इसी को लेकर आज दिल्ली PVR सिनेमा कनॉट प्लेस में फिल्म की स्टार कास्ट टीम पहुंची। अमाश फिल्म और टू इडियट द्वारा निर्मित यह फिल्म एक फैमिली कॉमेडी फिल्म है और इसकी चर्चा पूरे दिल्ली NCR में है। फिल्म की मुख्य भूमिका में दिल्ली के कलाकार विराज राव और सुई धागा जैसी फिल्मों में अभिनय कर चुकी मुंबई की अदाकारा मानुकृति पाहवा है और साथ ही साथ में सह कलाकार की भूमिका में फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने कलाकार जैसे विजेंद्र काला, सीमा पाहवा, अतुल श्रीवास्तव, सपना सान आदि काम कर रहे हैं। मेरे कैरेक्टर का नाम शिवालिका है और मैं एक हरियाणा की लड़की प्ले कर रही हूँ जो पढ़ रही है, स्पोर्ट्स खेल रही है एंड फाइनली उसे एक लड़के से प्यार होता है एंड शी रियलाइजेज कि वो काफ़ी सारी दुविधाओं में है, जो सोसाइटी के प्रेशर्स हैं वो हैं उस पर एंड वो उसकी हेल्प करती है उन चीज़ों से जूझने में। बहुत सारी वैरायटी है इसके म्यूज़िक में, लव सॉन्ग्स हैं, सैड सॉन्ग्स हैं, डांस नंबर है, रैप सॉन्ग है, सो आई थिंक बहुत अच्छे वेरिएशन में सॉन्ग्स हैं और बहुत ही प्यारे गाने हैं। आप लोग जब सुनेंगे तो आई एम श्योर आप लोगों को बहुत पसंद आएंगे। आई थिंक मुझे सुई धागा में एक्ट करके बहुत मज़ा आया था बिकॉज आई थिंक बहुत ही अलग कैरेक्टर था मेरे लिए प्ले करने के लिए। बहुत छोटा रोल था लेकिन जो इंटेंसिटी थी उस कैरेक्टर की वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, सो आई थिंक वो बहुत मज़ेदार था बिकॉज मेरी फर्स्ट फिल्म थी वो, सो एक अलग एक्सपीरियंस था। वरुण धवन, अनुष्का शर्मा इन लोगों के साथ मुझे वो काम करने को मिला एंड बहुत मज़ा आया। आई थिंक दैट वॉज वन कैरेक्टर दैट आई रियली एंजॉय प्ले। इस फिल्म में मैंने एक विजेंद्र सर के साथ, हम लोग रात को जाते हैं स्कूटर पे बैठ के तूफानी बाबा के घर, तो वो मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आया करने में, तो उनके साथ बहुत मज़ा आया उनके साथ, वो तो बहुत अच्छा लगा। टाइम मुझे लगता है किसी ने नहीं लिया वहाँ पर, सब ऑन टाइम थे सेट पे, कभी लेट नहीं, कभी नहीं, कभी ऐसा हुआ नहीं कि कोई लेट हुआ। नहीं मैम, कभी नहीं हुआ, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। मेरा किरदार इसमें माँ का है, ये विराज है, इनकी माँ का रोल मैं प्ले कर रही हूँ और जैसे एक नॉर्मल माँ होती है जिसका सर चढ़ा हुआ होता है बेटा, मेरा भी बेटा मेरा सर चढ़ा हुआ है और फादर के साथ काफ़ी सारी ऐसी नोक झोंक वाले सीन्स हैं जिसमें हम दोनों के प्यार मोहब्बत के सीन, नोक झोंक वाले सीन हैं। लेकिन उसके बाद जब एक बेटे का एक ऐसा एक मुद्दा उठता है इस घर में, एक इतना बड़ा टॉपिक उठता है घर में कि मर्द अब किसको कहा जाए, तो और जब बहू भी आ जाती है तो इस औरत का एक नया स्टेप है ये कि वो कहती है कि नहीं मैं अपने पति से भले ही हर चीज़ में हाँ कहती रही हूँ उसको, लेकिन इस टाइम मैं इस बात के लिए उनके अगेंस्ट खड़े होना चाहूँगी, अपनी बहू का साथ देना चाहूँगी, अपने बेटे का साथ देना चाहूँगी, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं रियलाइज करती है कि हाँ ये बात ऐसी है जो सालों से दबी हुई थी, इसे उठना चाहिए सोसाइटी में। देखिए ये तो फिर अनुप जी ज़्यादा अच्छा बता पाएंगे क्योंकि वो उसके राइटर हैं, उन्होंने चयन किया है, लेकिन जब मुझे स्क्रिप्ट मिला है तो मुझे लगा कि इससे अच्छा इसका नाम हो नहीं सकता था कि मर्द को दर्द होता है और मर्द बेचारा है। तो ये मर्द बेचारा उसको बनाने का बहुत बड़े रीजंस हैं इस फिल्म में और हम जिस तरह से सोच रहे हैं, क्योंकि हम देखिए हम एक ही तरह से सोच रहे हैं और शायद आप लोग भी जब शुरू में आए होंगे तो यही सोच के आए होंगे कि अरे मर्द को शायद जूते पड़ते होंगे, मर्द को इसमें औरत बर्तन मचवाती होगी, झाड़ू लगवाती होगी, इसलिए उसको मर्द बेचारा कहा गया है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है इस फिल्म में। इस फिल्म में मर्द बेचारा मतलब कि मर्द की स्थिति हमारी सोसाइटी में जो है वो इस वक्त जिस तरह की चीज़ों से जूझ रहा है और हमेशा से उसके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थोप दी जाती है उससे वो जो जूझ रहा है, इसलिए हमने इस मर्द को बेचारा कहा है। मैंने कहा ना सब्जेक्ट ही इतना अलग है और मैं जब भी फिल्म करती हूँ उसके सब्जेक्ट के हिसाब से ही करती हूँ। जैसे आपने देखा ही होगा बरेली बर्फी बिल्कुल अलग थी, शुभ मंगल बिल्कुल अलग थी, माला बिल्कुल अलग थी, अब मैं गंगूबाई में हूँ, गंगूबाई बिल्कुल अलग फिल्म है। तो मेरी फिल्मों के चयन हमेशा उनकी स्क्रिप्ट से ही होते हैं। तो इस फिल्म का सब्जेक्ट जैसे हमने अभी चर्चा की थी मर्द बेचारा, बहुत डिफरेंट तरह से एंगल दिया गया है इस कहानी को, इसलिए मैंने ये फिल्म करना पसंद किया।